वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं जितनी भी जॉब के अपडेट्स लेकर आता हूं, आपकी रिक्वेस्ट पर ही लेकर आता हूं। ये जॉब भी मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ही लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मोस्टली लड़कियां, मेरे से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर, अगर टीचिंग लाइन में कोई जॉब आए सीटेट से रिलेटेड, सो उस पर वीडियो जरूर बनाना। अगर आपके भी मन में कोई जॉब है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, वो अपनी क्वालिफिकेशन और अपना स्टेट कमेंट बॉक्स में मेंशन करके रखें, ताकि मैं उनके लिए उनकी क्वालिफिकेशन और स्टेट के अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूं, जैसे ही मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आता है। सो इस वीडियो में आपके साथ पूरी डिटेल शेयर की है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस जॉब का फॉर्म फिल करने के लिए आपका 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। सो दोस्तों, इसमें पोस्ट टाइम की बात कर लेते तो असिस्टेंट टीचर और सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर के लिए इन्होंने सीटेट मांगा है और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए इन्होंने जो है 10th पास मांगा, और 10th पास के बाद इन्होंने एक डिप्लोमा भी मांगा। डिप्लोमा आपको बता दूंगा कि कौन सा मांगा है। सो कंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली में ये जॉब निकली है। सो डिटेल्स की ओर बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब का, इस पर क्लिक कीजिए। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके राइट हैंड पे बेल आइकन भी आएगा, इस पर भी क्लिक कीजिए। इन दोनों पे क्लिक करने से आपसे एक भी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। दोस्तों, हम अपनी हर वीडियो में बोलते हैं सब्सक्राइब करो। क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं ताकि आपसे एक भी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप लास्ट डेट से पहले उसका फॉर्म फिल कर पाएं। सो दोनों बटन दबाइए आप, सब्सक्राइब का और बेल आइकन, ताकि आपसे ये गलती ना हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं डिटेल्स की ओर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करूंगा तो 30/9/2017 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब की लोकेशन जो है दिल्ली रहेगी। फी स्ट्रक्चर 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, मैंने आपको बता दिया। प्रोसीजर आपको बता दूंगा कि कहां से आपको फॉर्म मिलेगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो असिस्टेंट टीचर के लिए 18 से 30 साल रखी है और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 18 से 25 साल रखी है। एज रिलैक्सेशन भी दिया है इन्होंने, तो SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का और फिजिकली हैंडीकैप के लिए इन्होंने 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो पोस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, तो असिस्टेंट टीचर और सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 36 है, असिस्टेंट टीचर के लिए 34, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 2। सो दोस्तों, ये मत सोचना कम पोस्ट निकली है, आप जरूर इसका फॉर्म फिल करना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, आपका 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लग रहा, ऑनलाइन फॉर्म है, आपको मैं बता दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट टीचर के लिए 9,300 रुपये से 34,800 रुपये सैलरी रहेगी, बल्कि उससे ज़्यादा ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 5,200 रुपये से 20,200 रुपये से ज़्यादा आपकी सैलरी रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट टीचर के लिए मैंने आपको बता दिया था कि इन्होंने सीटेट मांगा है, तो पढ़ दूं मैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ 50% मार्क्स। अगर आपके 50% मार्क्स से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड मस्ट पोजेस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। और उसके साथ आपका सीटेट एग्जामिनेशन जो है क्लियर होना चाहिए, तब आप जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं असिस्टेंट टीचर का। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि इसमें मैं आपको बताऊंगा, 10th पास आपको होना और डिप्लोमा आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर्स का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। तो कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म का लिंक ये रहा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। सो लिंक जो है आप कंप्यूटर में ही खोलना या डेस्कटॉप में खोलना। सो दोस्तों, इस तरीके का लिंक आप क्लिक करेंगे तो ऐसा फॉर्म ओपन होगा। आपको क्या करना है, 2 चीज़ आएगी, रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट टीचर, रिक्रूटमेंट फॉर सैनिटरी इंस्पेक्टर। सो एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैंने टीचर की सिलेक्ट करी, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो ऐसा फॉर्म मेरे सामने ओपन हो गया। बहुत ईजी है दोस्तों फॉर्म फिल करना, क्योंकि पेमेंट करनी नहीं है, तो आप सीधा सबमिट करना चाहिए और आपकी जो है आगे जो है प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो देख लीजिए आप, इस तरीके का फॉर्म है। सो थैंक यू सो मच गाइज हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं और जॉब के अपडेट्स पाना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके जो मैं कॉल्स अटेंड करता हूं दोस्तों, वो मैं संडे को ही करूंगा। सो बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।